नमस्कार, मैं हूं अमित कुमार। स्वराज एक्सप्रेस में आपका स्वागत है और आप देख रहे हैं देश प्रदेश और आपके शहर की नफ्स टटोलने वाला हमारा खास कार्यक्रम बिग डिबेट। मध्य प्रदेश 2023 के विधानसभा चुनाव में आदिवासी वोट बैंक एक अहम भूमिका में था। पिछले बार कांग्रेस ने इस वोट बैंक में सेंध मारकर सत्ता पर काबिज हो गई थी। विश्व आदिवासी दिवस के मौके पर कांग्रेस के अध्यक्ष कमलनाथ आदिवासी सम्मेलन में शिरकत करेंगे कल 9 अगस्त को। वहीं इससे पहले बीजेपी भी आदिवासियों को लेकर कई आयोजन कार्यक्रम कर चुकी है। ऐसे में सवाल यह है कि अब आदिवासियों का जीवन स्तर सुधरेगा या फिर सियासत का केंद्र बने रहेंगे। आज चर्चा इसी मुद्दे को लेकर है। इस पर ज्यादा चर्चा के लिए मौजूद हैं बीजेपी के वरिष्ठ नेता गोविंद मालू जी। बहुत पैनी नजर हैं और बारीकी से अध्ययन करके सब बात को रखते हैं। कांग्रेस से हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ नेता अजय शाह जी। आदिवासी मामलों में आप अच्छे जानकार भी हैं और इस वर्ग से भी हैं और बहुत उनकी समस्याओं को लेकर भी बातें रखते हैं। और वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं आशीष दुबे जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। सबसे पहले रुक करते हैं अजय शाह जी, आपसे बात करना चाहेंगे। आप लोगों ने आदिवासियों को लेकर 9 अगस्त की छुट्टी भी करी थी जब कमलनाथ सरकार थी यहाँ पर, लेकिन अब फिर जो स्थिति बन रही है वो जो आदिवासी दिवस पर छुट्टी थी उसको भी बंद कर दिया गया है। अब लेकिन कल से फिर आप लोग शुरुआत करने वाले हैं एक नई, कैसे नई शुरुआत कहेंगे? सब नई शुरुआत तो नहीं है। देखिए, हम तो आज जितने भी आदिवासी लोग हैं वो अगर कुछ भी तरक्की कर पाए हैं 75 साल के बाद भी, तो वो आरक्षण के बदौलत है और आरक्षण उन्हें और हमें कांग्रेस ने दिया है। आज स्थिति यह हो गई है कि पिछले बार जब कांग्रेस आई थी यहाँ पे, आपने भी जैसे अमित जी बोला कि हमने आदिवासी दिवस को बड़े धूमधाम से मनाया था, बहुत सी ऐसी चीजें थी जो हमने बोली थी कि हम करेंगे और 19-20 में हमने की भी थी। इत्तेफाकन हमारी सत्ता इन्होंने चली गई, ये नाउ इट इज वी आर बैक टू स्क्वायर वन। आज स्थिति यह है कि जिन्हें हम बड़े चाव से चुनते थे वे ही लोग हमें तबीयत से ढूंढते थे, ये भाजपा के लोग तो अमीरों के होके रह गए, हम आदिवासियों की कहां चुनते जी। इसीलिए तो इन्होंने जो कुछ भी हमने दिया था, अब कमलनाथ जी की सरकार ने दिया था, वो भी खत्म कर दिया है जी। जी गोविंद जी, जिस तरह से अजय शाह जी ने गिनाया है क्या क्या कांग्रेस के समय से मिलते आया है, 15 साल से, बल्कि अब 17-18 साल हो गए हैं बीजेपी की सरकार लगातार बनी हुई है शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में, क्या क्या उन्होंने किया है? आदिवासियों के लिए जी केवल वोट बैंक के अलावा कांग्रेस ने उनको कभी कुछ नहीं सीखा। जिन आदिवासी क्षेत्रों के लिए पैसा जाता था वो भ्रष्टाचार की भेंट था। आदिवासियों के लिए अलग मंत्रालय भारतीय जनता पार्टी के अटल जी के समय बना, एनडीए सरकार के समय बना, जनजाति आयोग बनाया, उनको सुविधाएं देने की बात की, घुमक्कड़ अर्ध घुमक्कड़ विमुक्त जाति जो जनजाति क्षेत्रों से आती है उनके लिए अलग से योजनाएं बनाई, उच्च शिक्षा के लिए छात्राओं का और छात्रों का खर्च सरकार उठा रही है, छात्रावास बनाए हैं। आजादी के बाद से 60 साल तक इन्होंने छात्रावास का भी ध्यान नहीं दिया, ये शिक्षा देना नहीं चाहते थे, केवल आरक्षण की प्रक्रिया तो संविधान के तहत, लेकिन उसके बाद इन्होंने कौन से ऐसे नेता, कौन से ऐसे लोग आदिवासी क्षेत्रों में तैयार किए? हमने तो, हमारे मध्य प्रदेश के राज्यपाल आदिवासी क्षेत्र से आते हैं, राष्ट्र की अभी जो राष्ट्रपति बनी चुनी गई है द्रौपदी मुर्मू जी, वो आदिवासी क्षेत्र की है, आदिवासी है, ये कौन सा, ये सम्मान की बात। हमने बिरसा मुंडा से लेकर जितने भी नायक हुए आदिवासी के जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में हिस्सा लिया है, उनकी उनके उनके जो मोनूमेंट्स हैं, उनकी जो संस्कृति, उनका जो इतिहास है, उनका संरक्षण करना, संग्रहालय बनाना और उनके उस नाम पर सम्मान भी देना आदिवासी क्षेत्रों में, उनके नाम को किस तरह से हम आगे जीवित रखें और लोग उनको, उस पीढ़ी को याद रखें, हमने ये संस्कृति का संरक्षण करना किया है जी। आदिवासियों के लिए केवल बात नहीं की, काम किया है जी, बिल्कुल। क्योंकि ये इन्होंने तो आदिवासियों को नक्सलवाद की भेंट चढ़ा दिया, आदिवासियों को रक्तरंजित कर दिया, इन्होंने आदिवासियों को दिशा भ्रमित कर दिया जी। नक्सलवाद के कम्युनिस्टों के जिम्मे छोड़कर ये कांग्रेस ने काम किया है, हमने उनको राष्ट्रीय मुख्य धारा
और ये जो लोग उनको काट के चलते थे कि नहीं आदिवासी अलग है, हमारे समाज का अंग नहीं है, हमने उस समरसता को कायम किया है, आदिवासी समाज हमारा समाज है, हमारा ये सनातन धर्मी हिंदू समाज जो विशाल भारत की संस्कृति का मूल समाज है, जो अपनी संस्कृति और सभ्यता पर गौरव करता है, हम उसकी गौरव गाथा भी लिख रहे हैं, हम आदिवासी क्षेत्रों में शिल्प उनकी कला उनको विस्तार देने के लिए भी उनके लिए अलग आयोग बनाया है, जी गोविंद जी बाजार दे रहे हैं, बिल्कुल मार्केट दे रहे हैं। जी गोविंद जी आपने जिस तरह से कहा आपने बात बिल्कुल, और आदिवासी क्षेत्रों में जो फसल होती जो इनके वहां पर जो अलग से जो फल और जो दूसरी चीज जो केवल आदिवासी क्षेत्रों में होती है, हम उसको अनुदान भी देते हैं और हम उसको MSP पर खरीदते भी। बिल्कुल आपने 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 बहुत सारी योजनाएं बताई, आपने कहा कि राज्यपाल से लेकर राष्ट्रपति तक आपने सम्मानित किया है, लेकिन ये सवाल है आशीष जी, क्या सम्मानित करना, स्टेशन के नाम बदलना या कुछ योजनाओं से अभी तक स्तर क्यों नहीं सुधरा है? जैसे अजय शाह जी ने भी बताया कि कांग्रेस ने भी बहुत सारी योजनाएं की, बीजेपी ने भी बहुत काम किया, लेकिन आज जो जमीनी स्तर है आदिवासियों का, क्या वो सुधरा है? आप क्या मान रहे हैं इसको? दोनों ही सरकारों ने आदिवासी क्षेत्रों को फोकस किया, काम करने की कोशिश की, ये बात सही है, लेकिन आदिवासी इसको थोड़ा सा अगर अदरवाइज ना लिया जाए तो ये भी कहा जाए आदिवासी क्षेत्र के जो लोग हैं उनकी जो जिज्ञासा होनी चाहिए, उस वर्ग से जो नेतृत्व होना चाहिए, उस वर्ग से जो लोग आगे होके अपने अधिकारों के लिए जिस तरह आगे आना चाहिए, तो अगर उस तरह की भी कोई चीज़ें होती, हालांकि समय समय पे कुछ लोग कुछ आदिवासी नेता ऐसे हुए हैं, लेकिन समग्र रूप से ऐसी स्थिति नहीं बनी जिसकी वजह से आदिवासियों का वैसा विकास नहीं हो पाया जितने दावे हो गए। तो अगर इस तरह की चीज़ होती, एक जैसे बात होती आदिवासी नेतृत्व को उभारे जाने की, तो उसमें बात सीधी हो जाती है कि उसको CM बना दिया जाए, ये एक मध्य प्रदेश की राजनीति में और भी जगह पे इस तरह होता होगा, बजाय इसके कि उस समाज में ऐसे प्रभावशाली लोग यदि पैदा होते, वो सरकार की योजनाओं को अपने यहाँ क्रियान्वित कराते और आदिवासियों का पलायन रोकते उस क्षेत्र से, तो ज़्यादा बड़ी बात होती, ताकि उनकी संस्कृति और उनका रहन सहन जो भी उनकी जो विरासत है वो सब सहेजी जा सकती, उन्हें वहीं रखा जा सकता, वहीं पे उनको संरक्षित और संवर्धित किया जा सकता। तो ये दो सियासत में आकर के ये जिस एक उसके बीच में वो फंस गए हैं पूरे आदिवासी। बिल्कुल बिल्कुल आपने ठीक कहा कि एक वोट बैंक ना मानते हुए, उनको मुख्य धारा से जोड़ते हुए वो अपने स्थान पर रहें, वहाँ किस तरह से वो संस्कृति को भी बचाएं, वहाँ से नेतृत्व भी उभरे। तो अजय जी, क्या जिस तरह से आशीष जी बात कर रहे हैं, तो आपको लगता है कि ये सब होना जरूरी था, आज फिर हम उस गणित में फंस के रह गए हैं? लेकिन यदि ये देखा है, राजनीतिक सवाल यदि आपसे पूछा जाए, यदि इससे बेहतर भी एक सवाल ये बनता है कि अभी जिस तरह से कमलनाथ सरकार ने जो 15 महीने काम किया था, उसका असर अभी इतना जो निकाय और पंचायत के चुनाव में नहीं दिखाई दिया है, उस इलाकों में भी करीब 82 सीटें ऐसी हैं जिसमें आदिवासी वोट बैंक दोनों पार्टियां मानती हैं। आशीष जी जो कह रहे थे बिल्कुल 100% बिल्कुल सही है कि पार्टियों ने आदिवासी नेतृत्व को उभरने नहीं दिया। अभी मालू जी कह रहे थे हमने राष्ट्रपति बनाया, हमने गवर्नर बनाया, राष्ट्रपति तो इन्होंने अभी अभी बनाया ना साहब, इसके पहले जब संगमा जी और सोहेल जी को कांग्रेस ने आदिवासी चेहरे को लेके राष्ट्रपति चुनाव नहीं लड़ाया था, वो जीत नहीं पाए, वो दूसरी बात है। आशीष जी, हम मध्य प्रदेश की बात कर रहे हैं, मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने आदिवासी दो दो तीन तीन आदिवासियों को डिप्टी CM बनाया, अध्यक्ष बनाया, गवर्नर तो कितने ही लोग बनाए। मालू जी से पूछना चाहता हूं कि इन्होंने कितने बनाए हैं, और जो आदिवासी नेतृत्व की बात है अभी की बात ले लीजिए, जमुना देवी के साथ क्या हुआ? पुलस्ते जी आप बाद में बिल्कुल बोलिएगा साहब, जमुना जी को नहीं बनाया क्या साहब? आप CM आप बताइए, मैंने CM भी बनाया है साहब, आप CM भी बनाया है, सारंगढ़ के महाराज को CM भी कांग्रेस ने बनाया है मध्य प्रदेश में, आप भूल रहे हैं इस चीज को मालू जी। दूसरी चीज मैं आपको बताना चाहता हूं, आज भी 7 बार के सांसद कुलस्ते जी है, आदिवासी है, इसलिए उनको आज भी कैबिनेट रैंक नहीं दिया है। 8 बार का आदिवासी विधायक
1990 से विजय शाह है, उसे क्योंकि वो आदिवासी था उसे दो बार मंत्रिमंडल से निकाला दिया गया है। अभी अभी जबलपुर में इनके अमित शाह जी आए थे, वहां पे विजय शाह को ऊपर मंच पे चढ़ने की अनुमति भी नहीं दी गई। ये आदिवासी का सम्मान बीजेपी आपके सामने है, आपने भी इसको दिखाया था, तो सब ये मिथ्या है कि आदिवासी नेतृत्व को कभी उभरने नहीं देंगे। जी गोविंद जी, इसका जवाब दीजिए, फिर एक सवाल भी पूछूंगा मैं आपसे। आदिवासी जब हम कह रहे राष्ट्रपति हमने बनाया, उसके पहले हमने अनुसूचित जाति वर्ग का राष्ट्रपति बनाया, उसके पहले जब एनडीए की सरकार थी तो जिनको आप कहते हैं कि वोट बैंक की राजनीति करते हैं, एपीजे अब्दुल कलाम उनको राष्ट्रपति बनाया, जनता पार्टी ने इन्हीं वर्गों को राष्ट्रपति बनाया। कांग्रेस ने कब बनाया है? कांग्रेस ने तो मध्य प्रदेश में जब शिवानंद सोलंकी का मौका आया तो उनको दरकिनार कर दिया, यमुना देवी को मौका आया तो उनको दरकिनार कर दिया। हमेशा कांग्रेस के इस श्रेष्ठी वर्ग ने आदिवासी को छला है, आदिवासी का मान मर्दन किया है, और आदिवासी क्षेत्रों में केवल देखिए आप झाबुआ में जब वेस्ता पटेल का राज चलता था तब कितना अत्याचार होता था, कितने आदिवासियों की हत्या की गई जी। और कितने आदिवासियों को गुलाम बना के जैसे रखा कि वो आपकी पैरेलल न्यायालय चलती थी, पैरेलल सभ्यता सल्तनत चलती थी, इस तरह का आतंक आपके नेताओं ने करवाया कुछ लोगों के द्वारा आदिवासियों पर जी। जब राजीव गोविंद जी, गोविंद जी आपने कितना भ्रष्टाचार हुआ, ये मंडला आदिवासी क्षेत्र है, झाबू आदिवासी क्षेत्र, वहां फसल देखिए किन योजनाओं का क्या अश्रु, आजादी के 60 साल में पानी तक नहीं पहुंचा, इतना बड़ा वहां पर ये संसाधन है, प्राकृतिक संसाधन है, लेकिन उसका उपयोग आदिवासी हित में कभी नहीं किया। उनकी जमीन भी छीन ली गई, उनसे खनिज संपदा भी छीन ली गई, कांग्रेस ने कभी उनके हित में काम नहीं किया, उनको शिक्षा नहीं दी जी। आपने गोविंद जी, गोविंद जी सवाल सवाल भी है, आपने आपने अजय जी की बात का जवाब दिया, लेकिन अब सवाल ये है कि जो 2018 में जो बीजेपी को सीट मिली थी, वो उस सीट के कारण आप लोग सत्ता तक नहीं पहुंच पाए थे, करीब 30 सीटें वहां पे लूज की थी और 16 सीटें ही मिली थी, तो आखिर 18 साल काम करने के बाद ऐसा क्यों हुआ था? देखिए कभी कभी स्थानीय परिस्थितियां ऐसी होती है, कुछ हमारे आकलन में भी गलती होती है, उम्मीदवारों के चयन में भी गलती होती है। हम मानते हैं उस समय हमको आदिवासी क्षेत्रों में उस तरह की सफलता नहीं मिली जो हमको 2003 से लगातार मिल रही थी, और उसके बाद भी लोकसभा चुनाव में भी आदिवासी सीटें हमेशा हमारे पास रही हैं जी। और कांग्रेस के पास नहीं रही, पूरे देश में कांग्रेस में आदि मध्य प्रदेश की बात क्यों कर रहे हैं आप, पूरे देश में आदिवासी क्षेत्रों में कांग्रेस का सफाया हो गया, कहीं भी आदिवासी क्षेत्रों में कांग्रेस नहीं जीत पाई लोकसभा में। इसलिए कांग्रेस को तो आकलन करना चाहिए, अपना अंतरावलोकन करना चाहिए कि आदिवासी के लिए इतनी बात करते हैं, बड़ी बड़ी बातें करने के बाद इन्होंने कभी आयोग तक बनाने का नहीं सोचा, अटल जी की सरकार ने बनाया, अलग मंत्रालय हमारी सरकार ने बनाया, इन्होंने क्यों नहीं बनाया, उनके हित की बात करते हैं, ये केवल उनके नाम का बैनर लगाकर उसमें कैसे भ्रष्टाचार को अंजाम दिया जाए, ये काम उन्होंने किया है। और उसके कारण ये जो विपन्नता आई है, उसके कारण नक्सलवाद देश में पनपा है जी, आदिवासियों को दिग्भ्रमित करने जी, का जी, गोविंद जी, धर्मांतरण करने का काम, गोविंद जी आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। धर्मांतरित क्यों हुए जी? क्योंकि उसमें न्याय नहीं मिला, और जो बरगलाने वाली जो एजेंसियां थी उनको कांग्रेस ने प्रश्रय दिया कि कांग्रेस के एजेंट बन के काम कर रहे थे, उनको केवल वोट बैंक के लिए उनको ईसाई बनाया गया, जानबूझ के धर्मांतरण किया गया, उनकी अपनी संस्कृति से तोड़ा गया, ये जो मूल संस्कृति का क्षरण उनकी सभ्यता के साथ जो चोट कांग्रेस ने की, वो आदिवासी कभी नहीं भूलेगा और कभी नहीं भूलना चाहिए जी। बिल्कुल गोविंद जी, आपने कहा कि इसीलिए कल से जो है कांग्रेस के जो यहाँ पर प्रदेश अध्यक्ष हैं कमलनाथ जी, वो जा रहे हैं आदिवासी इलाकों में जा रहे हैं, चूंकि उन्होंने पहले विश्व प्रदेश में जाए ना, आदिवासी जी, में क्यों बिल्कुल जा रहे हैं जी। एक सवाल, झंडा उठाने पूरे प्रदेश में जाना चाहिए, तिरंगे पर आशीष जी जी एक सवाल आशीष जी, जिस तरह से जो अभी आंकड़े की बात कर रहे थे कि कई इलाकों से, आदिवासी इलाकों से कांग्रेस की सीट लोकसभा में नहीं आई है, लेकिन मध्य प्रदेश में उनको फायदा हुआ था पिछले बार, तो लगता है कि अगले बार 2023 में भी क्या इस तरह की
कोई दोनों पार्टी भूमिका बनाने में लगी हुई है, कहाँ पर 82 सीटें हैं जिन पर असर डालती हैं, 47 तो आदिवासी सीटें हैं, तो जी लगता है कि दोनों पार्टियां लगी हुई हैं इस पूरे मसले पर। बिल्कुल 100% ये साफ चीज़ें हैं, स्थिति एकदम साफ है, कोई इसको घोषित तौर पर ना स्वीकारे। लेकिन जैसे बीजेपी ने जबलपुर से करीब 4-5 महीने पहले एक बड़ा एक रोड मैप बनाया है आदिवासियों के लिए कार्यक्रमों का, अमित शाह वहाँ पहुँचे थे, फिर पीएम ने भोपाल में एक बड़ी रैली उसमें की थी, तो जी एक उस तरह के रोड मैप दोनों पार्टियों ने बना रखे हैं। बीजेपी की चिंता यह है कि जो वोट जो पिछले 3 चुनाव से जो आदिवासी वोट कांग्रेस की उसके पास थे वो कांग्रेस की तरफ चले गए, तो वो बीजेपी उसको वापस गेन करना चाहती है। ये और ये बिल्कुल साफ है कि मध्य प्रदेश में जो आदिवासी सीटें हैं वो निर्णायक साबित होती रही हैं। परंपरागत रूप से आदिवासियों का जो वोट है वो कांग्रेस का थोड़ा सा वोट बैंक माना जाता रहा है अक्सर, लेकिन जब 2003 में वो वोट शिफ्ट हुआ उसके बाद से कांग्रेस लगातार मुश्किल में रही है। जी तो कांग्रेस ने पिछले चुनाव में जरूर गेन किया है, लेकिन कांग्रेस को उसको बनाए रखने की बहुत बड़ी चुनौती है। बिल्कुल और आपने ठीक कहा, जी इसका जवाब भी लेते हैं अजय जी से कि कांग्रेस के सामने बड़ी चुनौती यही है कि मध्य प्रदेश में तो आपको अपनी सीटें बचा के रखना ही है, लेकिन उसके अलावा भी जैसे उसके आगे 6 महीने बाद जो लोकसभा के चुनाव भी होंगे और बाकी जगह भी स्थिति ये है, तो अजय जी आप इसी बहुत करीब से आदिवासियों को किस तरह से योजनाएं हुई हैं, उनको लाभ मिला है नहीं मिला है, तो आपको लगता है कांग्रेस को भी बहुत काम करना है इस पूरे मामले में? नहीं साहब, आपका अभी जी सही कहते हैं। दिक्कत क्या है, अब हमको बताना पड़ेगा इनको कि जो कुछ भी मामा ने कहा है और जो मामू जी यहां कह रहे हैं वो धरातल पे कुछ भी नहीं है। विज्ञापनों में खूब दिखता है शिवराज जी का विकास, जमीन पर बस नजर आता है भय, भूख और भ्रष्टाचार। मैं अभी एक चीज और बताना चाहता हूं कि हम आदिवासियों को बीजेपी क्या सोचती है। एक पुरानी कहावत है साहब, मखमल में लपेट के जूते मारना। 2000 इसके पहले बीजेपी ने हम आदिवासियों को मखमल में लपेट के जूते ही नहीं मारे, सीधे सीधे जूते मारे। आदिवासी जी मंत्रालय का मंत्री जी भी इनको आदिवासी नहीं मिला, जी वो एससी अजय जी, था। अजय जी संपत्ति उइके जी हमारे साथ जुड़ रही हैं, पूर्व राज्यसभा की सदस्य रही हैं। संपत्ति जी आपको आवाज आ रही है? हाँ जी, आ रही है, आ रही। ये बताएं कि जिस तरह से बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियां लगी हुई हैं कि आदिवासी वोट बैंक किस तरह से लिया जाए, और पिछली बार जो कांग्रेस की सरकार बनी थी वो आदिवासी इलाके में जो 30 सीटें मिली थी उसका एक बहुत बड़ा आधार था उनकी सत्ता पे पहुंचने का, और कल से फिर जो है आदिवासी इलाकों में कांग्रेस फिर से सम्मेलन और कार्यक्रम कर रही है। आपको लगता है कि बीजेपी ने क्या काम किया है अभी इस पूरे मामले में? ये तो बीजेपी और कांग्रेस की तो बात ही नहीं है, क्योंकि जी ये जो मूल्यवासी वाला कार्यक्रम है वो जी सामाजिक है, जी ठीक है। और इस बहाना आज जो आदिवासी समाज लोग जागरूक हो रहे हैं, जी हमारे सबकी जनप्रतिनिधि का सहयोग है और एकजुट हो रहे हैं, एक मंच में आ रहे हैं सभी आदिवासी। ये दलगत राजनीति से उठ के सामाजिक है, ना इसमें कांग्रेस है ना भाजपा है। रही बात आदिवासियों का कल्याण के लिए, तो आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी ने, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो किया है वो धरातल पे दिख रहा है, पूरे देश दुनिया देख रहा है। कि कभी सोचे नहीं थे कि एक गांव खेड़े में रहने वाली महिला को राष्ट्रपति बनाने का, जी और आज जो उन्होंने, आज कांग्रेस ने इतने सालों से आदिवासियों के नाम से आदिवासियों को वोट बैंक समझ करके राजनीति की, पर आदिवासियों को कहां बैठा ला। तो आपको लगता है कि कोई किसी तरह का पिछले 70 सालों में कुछ नहीं हुआ आदिवासियों के लिए? नहीं हुआ, जी हुआ हुआ, बस आदिवासियों को छोटा सा मकान दे दिया जाता था 15,000 6,000 12,000 का, और उसके अलावा वो एक वो चूजे दे देते थे, मुर्गी मुर्गी पालो और बकरा पालो वाली योजना चलाई कांग्रेस ने, मैं मना नहीं कर रही। जी पर जिस तरह से आदरणीय शिवराज सिंह चौहान ने, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने आज हर आदिवासियों को एक छत दिया, हर आदिवासियों के जो बरसात के समय में लोग खाट किसका किसका करके सोते थे, आज ये स्थिति है कि आज हर आदिवासियों के घर में पक्का छत रहा और अच्छा पक्का मकान बन रहा है, उनको सारी सुविधाएं दी जा रही है, आज बड़े लोगों की बराबरी से उनको बैठाला जा रहा है, ये बहुत बड़ी बात है। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका,
संपत्ति और वीके जी, आपका बहुत धन्यवाद, आपने अपना पक्ष रखा और डिबेट का भी अब वक्त समाप्त हो गया है। और इसके लिए आप लोगों ने जो कहा आदिवासी मध्य प्रदेश में आदिवासी वोट बैंक मैं जिस तरह से बीजेपी और कांग्रेस काम कर रहे हैं, कांग्रेस की कल से आयोजन हो रहा है, एक कदम आगे बढ़ के बीजेपी भी इसके इसके जो उन्होंने आदिवासी वोट बैंक के लिए अपने कार्यक्रम रखे हैं वो भी आगे आने वाले दिनों में दिखाई देंगे। और जाहिर है कि 2023 में इसका असर किस पार्टी पे दिखाई देगा ये आप सबको सामने आ जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, और कल फिर हाजिर होंगे नए विषय के साथ बिग डिबेट में। नमस्ते।